एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग करने का कोई मूड नहीं था मेरा, मैंने कोई प्लान नहीं किया था, बट मैंने चूँकि बाहर जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग शूट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं बाहर जाके। बाहर जा रही हूँ दो रीज़न है। अभी अभी का कॉल आया। पहला रीज़न ये कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे आई में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, मतलब इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वो डैंड्रफ की वजह से जो भी प्रॉब्लम था, तो उसके लिए एक शैम्पू डॉक्टर ने दी है कि उससे हेयर वॉश करूँ जिससे डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। तो वो शैम्पू भी लेना था तो उसके लिए भी जा रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि आई थिंक ज्ञान भवन में कुछ ज्वेलरी वगैरह का, डायमंड्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ों का आई थिंक एग्जीबिशन लगा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो बोले कि चलो आओ तो वो भी देख लेंगे लगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, ऐसा है तो आती हूँ मैं, क्योंकि अपने हेयर के लिए तो मुझे शैम्पू लेना ही लेना है, वो बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं उसको अब और नहीं डालना चाहती, फिर ऐसा ना हो कि आइज़ पे फिर दोबारा वो प्रॉब्लम वापस आ जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है निकलते हैं और एक ब्लॉग भी शूट करते हैं, इसी बहाने दिखाते हैं कि क्या होता है बाहर, कुछ होता है नहीं होता है, जो भी होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से मैं रेडी होंगी एकदम, आपको पता ही है मैं बाहर जाती हूँ तो एकदम मिनिमम मेकअप करती हूँ। मेकअप क्या मतलब, थोड़ा सा बस कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, ब्लशर और देन आईब्रो, लिपस्टिक हो गया, बाल झाड़ेंगे और कपड़ा चेंज करेंगे। हम लोगों का यही है हम लोग भाई। बट हाँ, मैं सीख रही हूँ, मतलब मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ। मैं जो भी मेकअप करती हूँ या फिर मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने मेकअप के साथ, वो सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। मैं झूठ क्या बोलूँ, यूट्यूब पे आपको हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, बस आपको सीखने की दिलचस्पी होनी चाहिए। तो बस मुझे भी मेकअप थोड़ा बहुत पसंद आने लगा लोगों को देखते देखते करना, नहीं तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही वेलने थी, मैं तो कुछ नहीं करती थी। बट हाँ, जब से मैंने इसके बारे में जाना है, थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उसी से मैंने सीखा है। मैंने ऐसा कुछ पर्सनली क्लास वगैरह नहीं लिया है और आई थिंक मैं अच्छा कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि हाँ अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छा मेकअप करती हूँ, तो ये काफ़ी है मेरे लिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बस ज़्यादा और ना पकाते हुए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, तो बातें ही करती रह चुकी और बातें ख़त्म ही नहीं होने वाली है, तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। रेडी हो गई हूँ मैं। मैंने ये अपना जींस जो है वो पहना है, ये क्रॉप टॉप और ऊपर से वाला जैकेट डाल दिया है, ये हो ना, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्रॉप टॉप है। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था और बहुत ज़्यादा दिन हो गए, आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं इसको बाई किए हुए, और मैं अक्सर पहनती हूँ, आपने मेरे पहले ही ब्लॉग में देखा होगा इसे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी तक जो है इसका कलर नहीं चेंज हुआ है और ना ही कुछ चेंजिंग आया है, मतलब हमेशा की तरह अच्छा है ये अभी भी। और ये वाला जो एयरपॉड्स है, ये मैं इस बार गई थी कोलकाता, याद होगा आपको, मम्मी लोग के पास गई थी किसी रीजन से, तो ये मेरे भाई का है, तो उसने मेरे पास जो वायर वाला था वो ख़राब हो चुका था जो मैंने ख़रीदा था, तो उसने बोला कि आप ये ले लो, ये आई थिंक किस कंपनी का है, मीवी का है, दिख रहा है आपको, तो उसने बोला कि आप ये ले लो, मैं दूसरा ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो थैंक यू ब्रो। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका साउंड वगैरह सब अच्छा है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, शाम होने वाली है, अब हम लोग निकलते हैं, अभी का कॉल आया था कि आ जाओ, तो बस चलते हैं अब। कितना अच्छा सजाया है, यही सारी चीज़ें लगी होंगी अंदर में, आई थिंक सो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आ गए हैं बिहार भवन हम लोग, और यहाँ पे कुछ होली मेला लिखा हुआ है, बिहार महिला उद्योग संघ, पता नहीं क्या है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा, कभी चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। चलो आओ, हाथ पकड़ो, चलिए चलते हैं। कल
कल पार्टी है तो अच्छा ये छठ पूजा वाला वाव तो खूबसूरत है यार। लगा है जूती से लेके ड्रेस से लेके मधुबनी पेंटिंग और सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाया। बहुत यूज़ लगा है, अभी कल ही आई थिंक लगा है तो भीड़ कम है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट अच्छा है, अभी भीड़ नहीं है तो आप सुकून से घूम सकते हैं। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप ले सकते हो। तो बस हम लोग अभी घूम रहे हैं, देखते हैं कुछ लेना हुआ तो लेंगे, अभी तो फिलहाल घूम रहे हैं तो पहले घूम लिया जाए। लास्ट वाले सेक्शन में यहाँ स्टेज भी बना है, शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ होगा या क्या, मुझे आइडिया नहीं है। अभी तो फिलहाल खाली है और इस साइड में खाने वाने की भी चीज़ें मिल रही हैं। इधर भी कपड़ा लगा है, शायद बेडशीट वगैरह है, पता नहीं क्या जो भी है। इधर खाने की चीज़ें हैं, उस साइड खाने की चीज़ें ज़्यादा लगी हुई हैं। सीटिंग भी बनाया है तो ऑब्वियसली हाँ स्टेज बना है तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, बट क्या मुझे नहीं पता, अभी खाली है। ये खाओगे? नहीं नहीं वो देंगे ना। तो करो, छोड़ो इसको यार। मैंगो वाला, मैंगो फ्लेवर है ना? हाँ, मैंगो। उसी का प्यास लगा हुआ था। ये अच्छा है, कैसे करके आए? 220 रुपये। और ये पैकेट वाला? 100 रुपये। इसीलिए वो दिखा है। वो चॉकलेट से क्या? फाइनली निकल रहे हैं। अब मैंने मुखवास लिया है, ये पान का फ्लेवर का था, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया। अभी मुझे ये अच्छा लगा था ले लिया, और क्या। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं फाइनली। इतना अच्छा लाइट लग रहा है ना पीछे, मस्त ना। गाइस रखो ना, पैसा रखो, गिरना नहीं चाहिए। क्या वो डैडी को दे देना, नहीं पसंद लगता है तो।
अभी कोल्ड ड्रिंक्स पिए हो, सर्दी हो जाएगी कि नहीं तुमको। और अभी हम लोग पी रहे हैं लस्सी। इसी पे टर्न है 25। कलर भले अलग हो, पैटर्न सब यही है, छोटा बड़ा साइज। मैं नहा लेना है, भाग खत्म। हां तब भरना क्या है, खाली नहीं छोड़ दो, यही कलर ठीक है, यही कंपनी। कॉफी मग लेना है मुझे मग के शॉप पे। बहुत सारा था बट सब टूट चुका है, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े कप में ऐसे चाय पीने की आदत है, तो इसलिए वो देखते हैं पहले। जो काम था वो हो चुका है, हम लोगों ने जो जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली है। अब जा रहे हैं हम लोग घर, और मेरे आँख के लिए जो मेडिसिन चाहिए था वो लेने के लिए अभी गए हुए हैं, तो वही मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। शाम कुछ ऐसा भी था, तो होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। लाइट ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय।